माँ बाप के बुरे कर्मों का फल बच्चों के साथ साथ जो है दामाद को भी भोगना पड़ता है। इसलिए बहुत ज्यादा दुखी होने की बात नहीं है। इस बात को घोर के तू पी लो, अपने दिमाग में ऐसे बैठा लो, समझो कि नहीं समझो। अगर हमेशा याद रखोगे तो तुमको तकलीफ नहीं होगा, समझ लो। अरे बाबा, कौनो ऊपरी सीमा का लिमिट है? तनी हथवा हथवा देख लियो, हमार बुद्धि और विवेक कब काम करी, हमें कुछ समझ मज में ना आवत है। सकून के चैन के नींद कबो लय पाइप की कुल ऐसे ही चली, कबो हमार बुद्धि विवेक काम करी कि बस ऐसे जिंदगी भर ऐसे ही चली। तई हथवा हथवा देख के बाबा हमार तई पता लगा ही लेते हो। बच्चा, अगर बुद्धि विवेक तुम्हारी काम करती तो तू शादी ब्याह के चक्कर में ना पड़ते हो। हे बाबा, जौने रास्ते आए हो वही रास्ते निकल लियो, बिना पीछे ताके निकल लियो, नहीं तो अब्बल यानी देनी पड़ जाई बाबा। बिना ताके निकल लियो, नहीं तो अब्बल सनिच्चर के 7:30 यानी के दिमाग के पैसे उतर के तोरे दिमाग के लागी। बिना पाछे ताके निकल लियो बाबा, तू सन्ने से पतली गली से। नहीं नहीं बच्चा, इतना बड़ा जुलुम ना करो हमरे ऊपर। जोन कुल इनके मुड़े पर या नहीं मुड़े पर तो हमरे मुड़े ना लाओ, हमरे कुल बर्दाश्त ना है बच्चा। हमें कुल इतना जुलुम ना करो हमरे ऊपर। साधु सन्यासी आदमी है ना, इसे रास्ते में जात रहे तो इन्हें देखें दुखी तो हम कहें लाओ पूछ ली, और कोनो हमार गलती ना है बच्चा, हमसे ना ये मेहर बतुआ दादा। गलती के जरूरत ना है, हम गलती के मोहताज ना है। पतली गली तू भाग लियो, नहीं इतने तोहार भल मनाई चाहत हो तो निकल लियो यहाँ से बाबा, ने बहुत बुराई हो जाई बाबा, भाग लियो यहाँ से सन्ने से। भौजी, तोहार और निरहु का मामला लागत अभी हल वल ना आई भय। अरे अब संतुअक करो, अब जेकर बार एक बाजी झर गए तो दोबारा ना आई जामत है, यका अब संतुअक करो। हमार तो ख्याल है कि यकदाई झरे दोबारा जमते ना है, अब रहा दियो, कुछ कहो सुना माने चाही गांव के। आराम से आपन जिंदगी जियो, अब तू काहे बार एक चक्कर मापन जिंदगी दिए हु बहनी, जाय दियो अब रहा दियो। अरे चिरौजी लाल, हमें तो लागत ना है कि मामला बार एक खत्ती हुआ था। ये बाबा ठाड़ हैं, बाबा से कुछ कहा सुनी तभैनस हुआ था, अब का हुआ था अभी कुल बताओ। मैं कुल मामला कुछ और है, गंभीर मामला है। तभैनस कहा सुनी देखी थे तो हमहू चला आए कि का मामला है। अब बताओ तनी निरहू, का मामला है बताओ। तोहरे सब अपने ना समझो बुझो, हम बताई थन का मामला है। यनसे जोन है 5 रुवत से हम चिल्लाई थन कि घर जोन है सफवाई लियो, दीपावली आ वाला है, चूना पेंट करवाई लियो। ना कुछ कह सकते हो तो हम रही साथे लाग के कुछ मदद कर लियो। तब ये हमें कानून बतावत है कि रहा दो मोड़े में बार ना है, अब कुछ गिर उड़ पड़ी तो मोड़ फाट जाये, ये हमें कानून बतावत है। और हुआ जाए के धुरकुल्ली से जो है घर में कुल बाहरे उनके कुछ सामान निकलवाई के फिर वका छोड़ो अंदरो करवा दी तो वहाँ इनके कपार ना फाटत रहा। और हम कही थन कोनो काम करे तो कहा था गिर पड़ी मोड़े में बार कम है, कपार फाट जाये। तब बताओ इन्हें यह खत्ती हम मारी पीटी ना गरियाई ना टूटी सरापी ना तो इनके आरती पूजा करी। हम बताओ आपन काम ना ही करत है और दूसरे घरे जाए के जो है मुड़ी तब इनके बाहर जाम जाते है कि तब इनके मुड़ ना फूटी उनके पूरा सर सामान अंदर से बाहर करवाओ था तब इनके मुड़ी बाहर जाम जाते है, इनके हम पूजा करी आप लोग बताओ। भौजी यस है, मर्दे का जीव बड़ा दयालु हुआ था और बहुते ज्यादा दयालु हुआ था। क्यों मेहरारू जो प्रेम से कुछ कौनो काम कह दिया थी वह तो तत्काले कह दिया था, वैसे जो न कही दिन हुई है तो चला गया है बहुत प्यार से। वैसे बहनी जो न ये बहुत दयालु आदमी है, यह आज से हम ना ही जानी थन, जब से यह पैदा भय तब से हम जानी थन यह बहुत बहुत दयालु आदमी है। इतने तनी भर बातें खत्ती झगड़ा बवाल ना करो भौजी, बहुत दयालु आदमी है, थोड़ा समझ बूझ के आपन नीक से रहो, अब झगड़ा बवाल ना करो यह उम्र में। वह तो हमहू कही थन यतनी देर से, जैसे अड़ोसी पड़ोसी टोला मोहल्ला के मदद ना करबो तो तोहरे काम में के मदद करे आई भैया। अगर गांव में रही मनई तो 4 मनई काम लागत है सबसे, एक दूसरे से बन के रह पड़त। अभी छोड़ो ना कि इनके दुआरी में ना जाब उनके दुआरी में ना जाब, ये गलत बात है, एक आपस में मिलजुल के रह जात है। ए चुप्पे ठार रहो, जहाँ ठार हो तहाँ चुप्पे ठार रहो, नहीं तो अब तोरे खोपड़ैया ले जा कहीं टड़िया काटी ठोक दे हथौड़ी से, चुप्पे ठार रहो। और हे चिरौजी काका, ये दया भाव अपने ही मन में रखियो और हमारे मनई का बिगाड़े कोशिश की हो तो ठीक ना खाई काका। और हमरे दोनों जने के मामला में अगर टांग अड़ायो तो टंगरिया काट देव लई कट्टे नारी से, समझो। और हमें कोनो राय मसौरा ना चाहिए, हमें अपने आप में हम दोनों लोग खुश हन, तोरे सब चला जाओ, हम बहुत खुश हन। नहीं नहीं दिल कटना ऐसा है, साधु सन्यासी से बड़ा तहजीब से पीस आवे चाहिए, बुजुर्ग आदमी है और तू लई जाओ जो है निरहु का तू पीस के पी लो, वैसे हमें ना आपत्ति है, लेकिन साधु महात्मा से थोड़ा तहजीब से बात करे चाहिए।
यन्हें तू ले जाओ बांध के तीनों जून मारो और लुटाए लुटाए मारो। यू तुहार निजी आदमी हुए, हमसे वसे कोनो आपत्ति ना ही है। लेकिन जैसे बाबा हुए, सन्यासी हुए, उम्र दराज है, लेकिन उनके साथ बस सलूकी ना करो। उन्हें अपने आदमी तू ले जाओ, कूटो पीटो, खून वही पी लियो उनके, उसे हमें ना ही मतलब है। बाबा हमरे अम्मा बप्पा के गुणगान करा था तो उनके हम पूजा ना कर पाए, ठीक है। बाबा दाई हुए, अपने प्रेम से घरे रहे, वहीं जेका जोन बताए पावे तो उन बतावे, केहू का रस्तम ज्ञान ना बाटे, ने ज्ञान बहुत भारी पड़ जाई। हमरे महतारी बाप के खिलाफ बापा जो यक्को लब्ज कह दिन तो जबनिया खींच लिया बाबा के, यही हम जाने की नहीं, हम केहू के ना डराए थन। अरे बच्चा, हम मेहरारू के प्रकोप से ही बाबा बन गए हैं, देश दुनिया छोड़ दिए हैं। हम जाई थन यही लागे, और यह गांव के ओरी हम कब्बो ताकब नहीं, मुड़के नहीं ताकब यह गांव के ओरी, आओ तो छोड़ दियो। हम जाई थन दादा, हमें इतना बेइज्जत कह दियो तोरे सब, हम जाई थन। निश्चिंत रहो, बिल्कुल आज के बाद आइंदा हम ताकब नहीं यह गांव के ओरी, बस और कुछ नहीं, हम जाई थन बच्चा।